Hi, good morning guys. Welcome to my YouTube channel. The today's topic is floating point representation. What is the floating point? Floating point. देखो नाम से तैरता हुआ पॉइंट नहीं, जो वेरी करता हुआ है. That is the floating point. आप लोग नंबर रिप्रेजेंटेशन में पढ़े होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में. So this is the part of digital electronics. अच्छा ये सब्जेक्ट कहाँ इंपॉर्टेंट है? If you writing the engineering services mains exam, then it's very very important topics. अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के मेंस का एग्जाम लिख रहे हैं या प्रीलिम्स का एग्जाम लिख रहे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा. अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच से हैं, देन कंप्यूटर साइंस ब्रांच से गेट में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. गेट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है. अगर आप ईसी एंड इलेक्ट्रिकल से हैं तो गेट में अगर ऑप्टिमम नंबर के क्वेश्चन अगर पूछा जाए, मैक्सिमम टफेस्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, तो फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन डालेगा. आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंपल पढ़ते होंगे कि व्हाट इज द बाइनरी, व्हाट इज द ऑक्टाडेसिमल, व्हाट इज द हेक्साडेसिमल, व्हाट इज द डेसिमल नंबर, बीसीडी कोड्स, दिस ऑल आर द डिजिटल पार्ट्स. बट डिजिटल पार्ट में फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन बहुत कम लोग छूते हैं, है ना. अगर आप मेरा डिजिटल का कोई भी अगर आप लेक्चर कभी ज्वाइन किए होंगे ऑफलाइन क्लासेस में, तो मैं फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन जरूर पढ़ाता हूँ. और आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, 2 मार्क्स का टफेस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और खास करके सीएस ब्रांच का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्लियर. चलिए, तो फ्लोटिंग पॉइंट में दो तरह का, एक होता है IEEE 754 स्टैंडर्ड नोटेशन था. इन्होंने जो है दिया कि एक 32 बिट का और एक दिया 64 बिट का. जो 32 बिट का है इसको बोलते हैं हम सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट, और जो 64 बिट का है इसको बोलते हैं हम डबल प्रिसीजन फॉर्मेट. अब इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम तीन तरह का, इसको तीन पार्ट में डिवाइड करेंगे, साइन बिट, एक्सपोनेंट बिट एंड मल्टीशा बिट. साइन बिट, एक्सपोनेंट बिट एंड मल्टीशा बिट. जो सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट है उसमें साइन बिट 1 बिट है आपका, एक्सपोनेंट होते हैं 8 बिट्स के, मल्टीशा होता है आपका 23 बिट्स का, और IEEE नोटेशन टोटल 64 बिट्स है. फर्स्ट बिट साइन को रिप्रेजेंट करेगा, नेक्स्ट 11 बिट्स जो है एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और नेक्स्ट 52 बिट्स जो है वो मल्टीशा को रिप्रेजेंट करेगा. चलिए, सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट है ना, सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट को हम लिख दिए साइन बिट 1 बिट 8 बिट एंड 23 बिट्स. जो बायस्ड कंपोनेंट्स होते हैं, बायस्ड कंपोनेंट्स को हम लिखते हैं किसके फॉर्म में, तो देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोल देगा ये आपका 32 बिट है, कभी बोलेगा 16 बिट में बताइए, तो 1 बिट अगर मान लो ये दे दिया आपका 13 बिट्स, तो बचे हुए बिट्स एक्सपोनेंट है. तो एक्सपोनेंट का बायस्ड कंपोनेंट कैसे निकालोगे, तो एक जनरल फॉर्मूला होता है इसका कि बायस्ड कंपोनेंट ऑफ द एक्सपोनेंट इज 2^(n-1-1) राइट. जैसे यहां पर 8 बिट है एक्सपोनेंट का, तो कितने होंगे, n का वैल्यू कितना 8, सो 2^(8-1-1) दिस इज इक्वल टू 127. सो एक्सपोनेंट कंपोनेंट इज कॉल्ड e+-127 राइट. सो इसके नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सो दिस इज -1^s 1.1 dot mantissa into 2^(e+-127. सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द IEEE 754 प्रिसीजन वन फॉर्मेट के फॉर्म में, ठीक है. अब ये जो नंबर है ये आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, इसको हम एक थोड़ा सा क्वेश्चन से लेकर के देखेंगे, है ना. चलिए, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द गेट एग्जाम. गेट एग्जाम का क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था कि कभी कभी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं देगा, अलग अलग फॉर्मेट में देगा. स्टैंडर्ड फॉर्मेट 32 बिट का, लेकिन यहां पर देखिए 16 बिट है, 0 से लेकर के 15 तक, राइट. कह रहा है यहां पे कि जो फर्स्ट बीट है इसको साइन बीट बोल दिया, नेक्स्ट जो है एक्सपोनेंट बीट है, और अब बाकी जो बचे हैं मल्टीसा बीट है. 8 से 14 तक जो है वो एक्सपोनेंट बीट है, बीट्स है आपके, ठीक है. कह रहा है एक्सेस 64 के फॉर्म में है. किसके फॉर्म में है? एक्सेस 64 के फॉर्म में है, क्लियर है. तो इस नंबर को हम कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, जो भी नंबर होंगे आपके क्या होंगे, किसके फॉर्म में लिखोगे, -1^s इंटू 1.m into 2^(e-minus) एक्सेस 64 है, मतलब e-64 ये आप अब इस फॉर्म में लिख रहे हैं अभी हम, ठीक है. चलिए, अब जो है नंबर आपको जो डेसिमल नंबर दिया है वो डेसिमल नंबर क्या है आपके, व्हाट इज द डेसिमल नंबर, 0.625 into 2^18. आप सबसे पहले क्या कीजिए, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए 0.625 को. जब 0.625 को आप कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल नंबर है इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप किसमें, बाइनरी नंबर, राइट. जब इसको बाइनरी नंबर में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 0. सॉल्व कर लेना, मेरा सॉल्व किया हुआ है 101, राइट,
जीरो 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 ये आएंगे आपके 0.625। क्लियर है? चलिए एक्सपोनेंट का वैल्यू कितना है तो देखिए यहां 2^18 मतलब e माइनस 64 इक्वल टू 18। सो द एक्सपोनेंट इक्वल टू 64 प्लस 18 8 से 12 दिस इज नथिंग बट 72। सो डेसिमल नंबर है आपके 72। 72 इज व्हाट 72 और 82 सॉरी 82 82 सो 82 इज योर डेसिमल नंबर्स। नाउ इस 82 को आप क्या कीजिए एक बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कीजिए। जब इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा आपका 101010। आपको पता है बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? नहीं पता देखो 82 241 0 2 21 2 10 2 10 0 2 5 0 2 2 1 2 1 0 राइट। चलिए इसको लिख दीजिए। सो दिस इज योर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर। अब यहां बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर आ गया आपका 82 को आप लिख दिया बाइनरी नंबर्स में और जो डेसिमल नंबर था उसको आपने किसमें कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब नंबर देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव नंबर्स है। सबसे पहले उसको देखिए क्या नंबर पॉजिटिव है। यस अगर नंबर पॉजिटिव है इफ नंबर इज पॉजिटिव देन साइन बीट इक्वल टू जीरो। इफ नंबर इज नेगेटिव देन साइन बीट वन। अगर नंबर पॉजिटिव है देन साइन बीट जीरो। नंबर नेगेटिव है देन साइन बीट वन। मतलब साइन बीट कितना होगा जीरो होगा। मतलब जो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं हम साइन बीट यहां पर आ गया जीरो। अब एक्सपोनेंट मेरा कितने बीट का है उसको सबसे पहले देखना है। ये ई एक्सपोनेंट कितने बीट का है उसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। क्लियर है क्या? जब एक्सपोनेंट की बात करोगे आप एक्सपोनेंट कितना बीट का है तो एक्सपोनेंट देखिए यहां पर कितना बीट का आया 82 101010 3 3 6 1 7। क्या ये 7 बीट का होगा? सही है। उसको चेक करना है सबसे पहले। देखिए 64 मतलब 64 कब आएगा 2^ कितना 6 - 1 तो 2^5 हो जाएगा। 2^7 - 1 मतलब कितना 2^7 कितना है ना 2^5 कितना 6 मतलब जो भी आएगा 2^5 इक्वल टू कितना 32 2^6 इक्वल टू कितना 64 राइट। जो भी नंबर्स हैं आपके बुआ जो भी नंबर्स हैं वो एक्सपोनेंट बिट्स के नंबर होंगे और ये नंबर कितने नंबर्स हैं तो 7 बिट के नंबर्स होंगे। कितने बिट्स के नंबर होंगे 7 बिट्स के नंबर। तो इसको कैसे लिखेंगे हम 7 बिट्स के नंबर क्या क्या लिखोगे 1 0 1 0 0 1 राइट जीरो यही था आपका एक्सपोनेंट। सो 3 3 6 1 7 7 बिट्स के नंबर आ गए 3 3 6 1 7 दिया हुआ 7 बिट्स का नंबर। सो दिस इज योर साइन कंपोनेंट दिस इज योर एक्सपोनेंट कंपोनेंट। अब बचा मेंटिसा। मेंटिसा कैसे लिखेंगे तो देखो ये आपका 0. something है मतलब ये जो बचे जितने भी हैं वो क्या है मेंटिसा है। तो इसको मेंटिसा आप लिख लीजिए। ये कितना बचेगा 1 0 1 0 0 0 0 0। आप देखिए मेंटिसा कितना बिट का है 8 बिट का है 3 3 6 2 8 8 बिट का 7 बिट का ये था। देखिए 7 से लेकर के 14 मतलब 3 3 6 1 7 और 1 8 8 और 8 कितना हो गया 16 बिट 0 7 और दिस इज योर 14 दिस इज योर 15 दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द 8 राइट। अब इस नंबर को मुझे चेंज करना है। अब जो है इस नंबर को मैं चेंज करना चाह रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। अगर इस नंबर को मुझे चेंज करना है किसके फॉर्म में अगर हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो किसके कितने के पेयर बनाने होंगे 4 के राइट 4 का पेयर क्या बनेगा ये देखिए 5 2 8 0। सो इन हेक्साडेसिमल 0.625 × 2^18 दिस इज योर डेसिमल नंबर दिस इज कन्वर्टेड इन टू द हेक्साडेसिमल 5 2 8 0 दिस इज द हेक्साडेसिमल नंबर्स राइट। अगर इसी को पूछता ऑक्टाडेसिमल नंबर तो हम 3 3 का पेयर बनाते हैं। कितने का पेयर बनाते 3 3 का पेयर बनाते हैं। क्लियर। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए ये जो क्वेश्चन है फिर से ले हम गेट का क्वेश्चन। अभी देखिए हम डेसिमल को हम कैसे
प्रिसीजन फॉर्मेट में हम लिखेंगे, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है आपको बाइनरी नंबर दिया हुआ, देखिए इतना बड़ा बाइनरी नंबर दिया हुआ है, कह रहा है दिस बाइनरी नंबर डिनोटेड इन IEEE 754 सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट। क्लियर है क्या? नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द डेसिमल नंबर, इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। अब आपको पता है कि सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट IEEE 4 में कितने बिट्स का होता है टोटल? 32 बिट्स का, एकदम याद है आपको, जिसमें से फर्स्ट बिट क्या है साइन, नेक्स्ट 8 बिट क्या है एक्सपोनेंट, एंड बचे क्या है आपके मैट्रिशा। अब इस नंबर की अगर हम बात करें तो इस नंबर में क्या होगा आपको, सो देखिए ध्यान से, नंबर को क्या लिखोगे, माइनस वन का पावर एस इंटू 1.m इंटू 2^e-127। चलो ये नंबर का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है कि इसमें सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में। अब देखना है इस बीट में से मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट MSB बीट्स क्या है। अगर MSB 1 है मतलब नंबर क्या है नेगेटिव है, इफ MSB इक्वल टू 1 नंबर इज नेगेटिव, मतलब जो भी नंबर होंगे वो नेगेटिव नंबर है। देखो नेगेटिव नंबर चार ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब नंबर तो नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव अगर होता तो उस ऑप्शन को काट देते, नंबर मतलब नेगेटिव होगा। चलिए मैंटिशा एक्सपोनेंट सबसे पहले निकालते हैं कि एक्सपोनेंट बीट क्या होंगे, एक्सपोनेंट की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए एक्सपोनेंट निकालने के लिए 8 बिट्स, दिस वन 3, 3 एंड 2, ये एक्सपोनेंट का कंपोनेंट होगा, मतलब एक्सपोनेंट वाला जो बीट है वो क्या है 1 0 0 0 0 0 1 1, दिस इज द बाइनरी नंबर्स, दिस इज द बाइनरी नंबर्स। अब इस बाइनरी नंबर का मुझे क्या निकालना है, इसका निकाल दीजिए आप डेसिमल इक्विवेलेंट। क्लियर है? तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा आपका, मैं आपको बता देता हूं इसका डेसिमल इक्विवेलेंट मेरा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। हाँ ये आ जाएगा आपको 131 करके देख लीजिए, कितना आ जाएगा आपका 131, ठीक है। इट मीन्स एक्सपोनेंट इज इक्वल टू व्हाट 131। सो नंबर कैसे लिखेंगे, देखिए माइनस वन का पावर साइन बी, माइनस वन का पावर वन इंटू 1.m, m इज द मैंटिशा, मैंटिशा यहां से देखिए ये आपकी कौन सा बिट्स है, दिस इज योर मैंटिशा बिट्स, सो दिस इज 1.11100034 नहीं 0 इंटू 2^2, एक्सपोनेंट कितना निकल गया दोस्त 131 माइनस 127, राइट। चलिए अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये बनेगा माइनस 1 point something नहीं, अब यहां से देखिए 1.11110000 इंटू 2^11 11 में 7 किया 4 नहीं 4, ठीक है। चलो अब इसको कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं ध्यान से, अब इसको लिखिए, इसको मिटा रहा हूं मैं, जब इसको आप लिखेंगे तो ये बनेगा आपका माइनस, ये क्या लिखते हैं आप 2^0, 2^0 इंटू 2^4 कितना बन जाएगा 2^4, 2^4 प्लस ये क्या लिखते हैं आप 2^-1, याद होगा आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 2^-3, 2^-4 ऐसे लिखते हैं 2^0, सो दिस बिकम्स 2^-1 इंटू 2^4, 2^-2 इंटू 2^4, 2^-3 इंटू 2^4 प्लस 2^-4 इंटू 2^4, इसको सॉल्व कीजिए, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आएगा -16 + 8 + 4 + 2 + 1, सॉल्व कर दीजिए 16 और 8 24 24 और 7 31, सो -31 इज द राइट आंसर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट द IEEE 754 प्रिसीजन फॉर्मेट। नाउ अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं IEEE 754 64 बिट का डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।